नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो? सब ठीक ना दोस्तों? बढ़िया ही रहें। तो दोस्तों, आज हम आपको कॉइल के बारे में बताते हैं कि 3 इंची कॉइल कैसे बनाते हैं। 3 इंच कॉइल, तो दोस्तों ये हमारी डाई है। इस डाई पे पीओडी साइज की कॉइल बनती है, मतलब कि 3 इंची, और इस पे दो दो साइज कॉइल बनती हैं। ये हमारा केमिकल जिससे हम कॉइल बनाते हैं। ये हमारा पेपर है 10 नंबर, जो हम इस पे लगाएंगे जो कॉइल बनेगी। तो दोस्तों ये हमारा तार है, ये हमारा तार है 32 नंबर, तो इससे हमारी कॉइल बनेगी। हम आपको अब दिखाएंगे कि कॉइल कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों जिस पे हम कॉइल बनाएंगे उसे हम, ये हमारी मशीन है जिससे हम कॉइल बनाएंगे। ये हमारी कॉइल वाली मशीन है, और ये हमारा जो हीटिंग करती है कॉइल को, मतलब हीट करके दिखाएगी वह, मतलब ये हम हीट करते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों जितनी कॉइल बनानी हो उस हिसाब से केमिकल ले लेना। दूसरा दूसरे में से भी इतना ही लेना है। दोनों केमिकल बराबर रखने हैं। दोस्तों अब इसमें हमें गरम थनार जो होता है हमारा, उस गरम थनार को गील लेंगे। इससे क्या पतला हो जाएगा ये थोड़ा सा। इसको मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे इसको। तो दोस्तों पतला हो गया है, तो अब हम आपको कॉइल बना के दिखाएंगे। अच्छा, तो दोस्तों हमारे जो तार, इसको हम अपने सेंटर में रख लेंगे, नीचे तरीके से नीचे रख लेंगे। तो नीचे रखने के बाद हमारी जो डाई है उसको लगा लेंगे इस तरीके से। और डाई हमारी लग गई है, इस पे हम एक 10 नंबर पेपर लगा लेंगे। ये हमने पेपर लगा लिया है। अब उसके बाद इस पे, तो दोस्तों ये हमारा टिल पेपर है, तरीके से लगा लेंगे इसको। तो अब इस पे हम एक रबड़ होती है, रबड़ लगा लेंगे इसे रोकने के लिए। अब हम इस पे दो बनाएंगे, इस डाई पे दो बनती है, तो इस तरीके से दूसरा भी लगा लेंगे पेपर। ये हमने दूसरा भी लगा लिया है। अब उसके बाद एक और हम रबड़ जो है, दूसरी रबड़ लगा लेंगे इधर की साइड, और इसको आगे को कर देंगे। ये तो हमने कर दिया। अब इस पे हम दो पेपर काट लेंगे थोड़ा सा। ये 5 नंबर पेपर होता है हमारा, जो केमिकल है। ये हमारे जोड़ हैं, तो केमिकल जहाँ लगेगा ये जोड़ों पे, इन जोड़ों पे इसको लगा लेंगे नीचे, क्योंकि जो हमारी कॉयल है वो छूट जाए आसानी से। इसको भी लगा लेंगे, जो केमिकल होता है वो नीचे चले जाएगा, इसलिए पेपर लगाना जरूरी है। तो दोस्तों इस तरीके से पेपर लग गया जोड़ों पे, देखो दोनों जोड़ों पे। अब हम आपको दिखाएंगे कैसे बना। तो दोस्तों यहाँ से हम इस पे केमिकल लगाएंगे पहले पेपरों पे, इस तरीके से, इस तरीके से पेपर पे लगा लेंगे केमिकल। ये हमने केमिकल लगा लिया है, दूसरी पे भी लगा लेंगे इस तरीके से।
हमने दोनों पे लगा लिया है। अब हम जो हमारा जो तार है 32 नंबर, उसको हम लपेट लेंगे इस तरीके से। तो अब हम इसको लपेटते हैं। तो दोस्तों ये इकसार होना चाहिए हाथ का। तो दोस्तों इस तरीके से लपेटना है। ये हमारा अभी सेंटर है में है हाथ, तो इस तरीके से हम लगा लेंगे। अब हम इसको लपेट देंगे। हमने लपेट दिया है। तो दोस्तों जैसे कि अब हम आप देखोगे गेज कि कितना लपेटना है। तो दोस्तों इस तरीके से लपेटना, जो आप कोई भी कॉल लेके उससे गेज नाप लेना। तरीके से दोबारा ऊपर भी लगाना है इसके, ये आउट आउट कॉल बनेगी इस तरीके से। दोस्तों इस तरीके से लपेट लें। इसके बाद जो ये उपल्ला वाला ये तार चल रहा है, इसके बाद ऊपर लेना जो तार है इसके ऊपर ही लेना दोबारा। ये देखो मैंने ले लिया जी, इस तरीके से लेना आपको। और थोड़ा सा ध्यान से देख के करें क्योंकि तार उतर भी जाता है नीचे, तो उस हिसाब से। ये देखो अभी जो नीचली से ऊपरली परत पे चल रहा है तार। दोस्तों इस तरीके से कर लेना। तो ये भी कंप्लीट लिपट गया। अब इसके बाद दूसरे पे भी ऐसे ही करना है इस तरीके से। तो दोस्तों इस डाई पे दो तरह दो साइज बनते हैं कॉइल के। दोस्तों जैसे कि ये तार है अभी हमसे थोड़ा सा आउट गया है हीरा, तो हम इसको रोक के किसी चीज़ से इस तरीके से एकसार कर लेना, क्योंकि पहले पहले बनाओगे तो दिक्कत आती है। तो इस तरीके से कर लेना, फिर दोबारा उसको इस हिसाब से चलाना दोबारा धीरे धीरे। तो जैसे कि ये चढ़ गया ऊपर, जो हमारा तार दोबारा ऊपर चढ़ गया, इसको हम बैक कर लेंगे इस तरीके से हल्के हाथ से। तो हम दोबारा इसको कर देंगे। तो दोस्तों अब इस पे हम दोबारा कोटिंग करेंगे केमिकल से। दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, इसलिए पे सफाई कम आ रही है। तो इस पे भी ऐसे ही करना, आपको देख के दोबारा हल्के हाथ से दोबारा देख के चढ़ाना है इस पे भी। जैसे कि ये चढ़ गया तार, इसको भी ऐसे लपेटना धीरे धीरे से। तो दोस्तों ये जो कॉइल है ये हमारी कंप्लीट हो गई है। पूरी कंप्लीट नहीं हुई, अब ये हीटिंग होगी, हीटर पे जाएगी। तो इसको निकाल के, तो हमने ये निकाल लिया। अब इसको हीट करने के लिए जो हमने इसमें रख देनी है, और उसके बाद इसको इसको ऑन कर दिया है। अभी 10-15 मिनट बाद 10 मिनट रुक के देखेंगे कि हीट हुई है नहीं हुई। दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं,
अब इसको बंद करके कॉइल को देखते हैं तो ये हीट हो गई है, या प्लास या किसी चीज से निकाल लेनी, गर्म है हीट होगी। तो अब इस पे हम दोबारा लगाएंगे, इस तरीके से दोबारा लगाएंगे। तो दोस्तों अब इस पे हम दोबारा कोटिंग करेंगे ऊपर से इस तरीके से। कोटिंग करनी जरूरी नहीं, जो तार होते हैं छूट जाएंगे। कोटिंग करने के बाद दोबारा हीटिंग करेंगे इसको। दोबारा में हीट करें तो हीट करेंगे तो उसे रोक रोक के करना पड़ेगा, एक एक मिनट कुछ सेकंड तक रोक रोक के करना पड़ेगा, नहीं तो ये बबूल बबूल से हो जाते हैं। इस तरीके से इस पे कोटिंग कर देनी अच्छे से। ये देखो हमने कोटिंग कर दी है, ये देखो सब राही से कोटिंग कर दी है, और दूसरी भी कर लेना है ऐसे ही। इस तरीके से कोटिंग कर लेनी है दूसरे पे भी। हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसलिए सफाई से नहीं हो रहा है। तो ये देखो ये हो गई है कोटिंग द्वारा। तो इस ये दोबारा हम निकाल के दोबारा हीट करने के लिए रख देंगे। तो और जब हीट करेंगे तो इसको एक एक मिनट बाद बंद कर देना, ऐसे ही करके 5-7 मिनट करके तो केमिकल हमारा सूख जाएगा। ज़्यादा हीट नहीं करना, नहीं तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो कॉइल आवाज़ नहीं देगी ढंग से। तो दोस्तों इसको बंद कर देंगे। तो अब ये थोड़ा सा ज़्यादा हीट है तो कपड़ा से इसको उठा लेंगे, तो कपड़ा से उठा लेंगे इसको निकाल लेंगे। तो दोस्तों इस पे लगा के ये रबड़ है, तो इसको केमिकल देखो टाइट है मतलब सूख गया है, तो हम इसको निकाल लेंगे डाई से। इस तरीके से घुमा घुमा के निकालना है, थोड़ी सी टाइट निकलेगी, ये हमारी निकल गई इस पे से। ये देखो इस पे से वो भी इस तरीके से दोनों कॉइल हमारी निकल गई है। ये हमारे जो पेपर लगाए थे इसको निकाल लेंगे। ये देखो ये बन गया आपकी कॉयल। दोस्तों अब ये जो कॉयल है इस पे हम चेपी मारेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट होगी। जो हमारे फालतू फालतू उससे नीचे से जो है उसको काट लेंगे इस तरीके से। ये हमने काट लिए, ये देखो कट गया है निचला वाला पार्ट। और तो जो कॉयल के जो तार है उनको हम ऐसे करके, ज़्यादा नहीं करना है सफाई के लिए, एक आध दो टन निकाल लेने। ये इस तरीके से निकालने के बाद जितना आपको चाहिए बाहर तार इतना रखना है, बाकी का काट देना है इस तरीके से। ये हो गया। और जो ये पेपर है इस पेपर को पेपर काट लेंगे इस तरीके से लपेट के, जितने की जरूरत हो इतना ले लेना है, फालतू फालतू काट देना है इस तरीके। तो दोस्तों अब इस पे हम कोटिंग करेंगे, स्लोचन से करते हैं कोटिंग इस तरीके से। इस तरीके से कोटिंग कर लेनी है। कॉइल पे भी करनी है इस तरीके से, स्लो चल से करते हैं वैसे।
ऐसे करके कोटिंग ऐसे कोटिंग कर लेनी है। तो अब ये चेपी लगा लेनी है इस तरीके से चेपी लगा लेनी है। तो ये आपकी चेपी कंप्लीट हो गई है। अब ये चेपी कंप्लीट हो गई, सूखने के बाद ये कंप्लीट है। ये देखो ये आपके तार बाहर आ गए अंदर। ये देखो ये कंप्लीट होगी आपकी 3 इंची कॉइल। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और कुछ पूछना तो कमेंट करें।